नमस्कार बच्चों, आज हम धर्म शिक्षा का फर्स्ट अध्याय पढ़ेंगे। पहला अध्याय पढ़ेंगे ईश स्तुति, कि ईश्वर की स्तुति किस प्रकार की जाती है, उसके प्रशंसा कैसे की जाती है, उनकी भक्ति कैसे की जाती है। सत्ता तुम्हारी भगवान जग में समा रही है, तेरी दया सुगंधी हर गुल से आ रही है। रवि चंद्र और तारे तूने बनाए सारे, इन सब में ज्योति तेरी एक जगमगा रही है। हे भगवान, इस संसार में आपका आधिपत्य है, आपकी सत्ता है। तेरी दया से, आपकी दया से हर गुल में, हर फूल में, हर कली में आपकी ही सुगंध आ रही है, आपकी दया की सुगंध आ रही है। रवि चंद्र और तारे तूने बनाए, कि सूरज चंद्रमा और तारे आपने ही, आपके द्वारा ही बनाए गए हैं, और जो इस संसार में ज्योति के समान जगमगा रहे हैं। विस्तृत वसुंधरा पर सागर बहाए तूने, तह जिनकी मोतियों से अब जगमगा रही है। दिन रात प्रातः संध्या मध्याह्न भी बनाया, हर ऋतु पलट पलट कर यौवन दिखा रही है। कि विस्तृत वसुंधरा, वसुंधरा आपको पता है धरती को कहते हैं, कि इस विस्तृत धरती पर आपने ही सागरों को बहाया है, जिनकी तह के अंदर, जिनके अंदर से, आपके समुद्र के अंदर से मोती जगमगा रहे हैं। दिन रात प्रातः संध्या मध्याह्न भी आपके द्वारा ही बनाए गए हैं। हर ऋतु, हर ऋतु का परिवर्तन जब होता है वह अपना सौंदर्य दिखाती है। सुंदर सुगंधी वाले पुष्पों में रंग तेरा, कि जो सुंदर खुशबू देने वाले फूल हैं उन सब में आपके ही दर्शन होते हैं। यह ध्यान फूल पत्ती तेरा दिला रही है, कि हर फूल पत्ती भी आपका ही ध्यान दिला रही है, आपके चरणों की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित कर रही है। हे ब्रह्म, ब्रह्मा विश्वकर्ता, वर्णन हो तेरा कैसे, कि हे परम ब्रह्मा विश्वकर्ता, विश्व को सारे कार्य करने वालों, आपका वर्णन कैसे करूं। जल थल में तेरी महिमा, कि जल में भी और जमीन पर भी सब जगह आपकी ही महिमा है, सब तरफ आपकी महिमा ही छाई हुई है। हे ईश्वर, चारों तरफ आपकी महिमा ही दिखाई दे रही है या छाई हुई है। भक्ति तुम्हारी भगवान क्यों करे कर हमें मिलेगी, कि कैसे आपकी भक्ति, किस तरह से हमें आपकी भक्ति प्राप्त होगी। माया तुम्हारी स्वामी हमको भरमा रही है, कि आपकी जो माया है, जो आपकी माया का जाल है, वो हर समय हमें भ्रमित करता रहता है। देवी चरण शरण है मुझसे यही विनय, कि मेरी आपसे यही प्रार्थना है, कि वह विश्वकर्मा प्रभु से प्रार्थना है, कि वह विश्वकर्मा प्रभु हमें अपनी सच्ची भक्ति प्रदान करे और हमारी अविद्या दूर करें। इसका अर्थ है बेटा, परमेश्वर ही सर्वव्यापक है, दयालु है, सूर्य चंद्र आदि का प्रकाशक, पृथ्वी समुद्र दिन रात प्रातः संध्या मध्याह्न तथा ऋतुओं का निर्माता है। वही जल थल में उत्पन्न होने वाली संपूर्ण वनस्पति व पुष्पों का निर्माता है, कि उसी के द्वारा ही संपूर्ण वनस्पति और पुष्पों को बनाया गया है। अज्ञान के कारण मनुष्य उसकी भक्ति नहीं कर पाता है, कि अज्ञान जो है हमारे अंदर समाया हुआ, उसके कारण हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाते हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि वह विश्वकर्मा प्रभु हमें अपनी सच्ची भक्ति प्रदान करे, हमारी अविद्या दूर करें। बेटा इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना, आपको इसका अनुवाद मैंने कर दिया है, इसको अपने आप पढ़ने की कोशिश करना। धन्यवाद।